आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाते हैं। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जल्लाद बनी हुई है और कोरोना मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही संवाददाता सम्मेलन में पप्पू यादव ने कई बातों के लिए आइए सुनते हैं पप्पू यादव। हमारे कंट्री में वैक्सीन का जो सामग्री था वो गायब हो गया। अब ये ट्वीट करते हैं कि हमें दुनिया देने को तैयार है और हमारे लिए दुनिया भीख मांग रही है। पहले ये कहते थे 150 को मैं दिया, आयात मैं कर रहा हूँ, तो आज बिहार को और किसी भी जगह वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है। तो वैक्सीन देना चाहिए इनको, 13 महीना पहले ऑक्सीजन प्लांट को लगाना चाहिए, सिलेंडर की व्यवस्था करनी चाहिए, बेड व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली में कहीं भी ICU नहीं बचा, बेंच नहीं है। 70,000 से 1,00,000 रुपया में मेरी डिसीबर मिलता है, डेक्सोना गायब हो गया। तो जिस कंट्री में आम आदमी के लिए ICU ना हो, बेड ना हो, वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में ऑक्सीजन के लिए बाप बेटा माँ तरस जाए, बहन तरस जाए, पति तरस जाए, जिस कंट्री में तरफ तरफ के मरे दवाई के बगैर, और सदर अस्पताल में आम आदमी को या किसी भी अस्पताल में आम आदमी को जानवर से बदतर ट्रीट किया जाए, लूटने का एक जरिया बन गया है। बस मरो, जिसको मरना हो मरो, बस पैसा दो पैसा दो, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मरो जिसके परिजन को मरना हो मरो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। प्राइवेट नर्सिंग होम करोड़ों अरबों कमा लिया इसमें, और ये सरकारी तंत्र फैलियो कंप्लीट समाप्त हो गया, कोमा में से भी पत्थर चला गया, हालात खराब है। 13 महीने में इन लोगों ने पॉलिटिक्स किया, कभी स्वास्थ्य पर और अन्य चीजों पर बहस नहीं हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष कंप्लीट एक दूसरे को गाली देने में, लोकतंत्र को सदन के भीतर समाप्त करने में, दोनों नेता के सामने विधायकों को लात जूता चप्पल, डेमोक्रेसी फिनिश्ड, संविधान कोलैप्स, और जो अपने विधायक को सदन में नहीं बचा सकता वो देश को या बिहार को क्या बचाएगा, आम आदमी को क्या बचाएगा, जो खुद फार्म हाउस से लेकर के अपने घर में दुबक जाए, जिसकी